कोई दो लाइट बोल्स दी हुई, जो बोल्स दी हुई हैं जिनके मासेस जो है एम और टू एम है, वो दो लाइट स्ट्रिंग से अटैच हैं, दोनों की लेंथ जो है सेम है, दोनों का एंड जो है एक एंड जो है ओ पॉइंट से फिक्स्ड है, इसको हॉरिजॉन्टली रखा गया है और बाद में इसको हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, कोलिजन जो है इलास्टिक है, हमें बताना फाइनल कोलिजन के जस्ट बाद इस सुनो ए, इसको ए बोल मान लेते हैं, ए बोल की वेलोसिटी कितनी होगी, बी बोल की वेलोसिटी कितनी होगी और कितनी हाइट, बी पार्ट्स में बताना ये कितनी हाइट तक राइज होंगे ये बताना है, इन दोनों की हाइट जो है वो कितनी रेज होगी ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो कोलिजन से होने से जस्ट पहले वेलोसिटी निकालनी है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हैं या वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हैं, वर्क डन बाय जो टेंशन है वो जीरो है या वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एम जी की जगह उसकी टेंशन एनर्जी ले जाता है वो किसका जीरो के बराबर होगा, ए बोल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो कितनी मान लेते हैं वी ए का स्फीयर इनिशियल जीरो है, ये कितना नीचे जा रहा है एल, दोनों की लेंथ जो एल है एल नीचे जा रहा है तो लोस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा एम जी है, टोटल चेंज इसके बाद जीरो के बराबर होगा, सिंप्लीफाई कर देते हैं तो वी की वैल्यू किसके बराबर जू टू जी है। सिमिलरली इसकी वेलोसिटी निकालनी है, सेम सिचुएशन है ये नीचे आ रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में रहा है तो हाफ टू एम वी वी का स्फीयर, जस्ट ट्राई करने से पहले वेलोसिटी मान लेते हैं वी बी है तो माइनस जीरो इनिशियल कितना नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा तो माइनस टू एम जी एल कितना नीचे आ रहा है सिंपली टोटल चेंज इसका जीरो के बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ बी किसके बराबर टू जी एल, इनिशियली दोनों की जो वेलोसिटी है कोलिजन से जस्ट पहले वो किसके बराबर है रूट टू जी एल के बराबर है, ए बोल की जो वेलोसिटी है वो तो इधर है और बी बोल की जो वेलोसिटी है कोलिजन से पहले वो इधर है, इसका मास एम है इसका मास टू एम है, ठीक है। तो हम रेफरेंस जो है इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, लास्ट ही कोलिजन है दो इक्वेशन लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन, इस डायरेक्शन में मास वेलोसिटी ऑफ ए ये तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, कोलिजन से पहले मोमेंटम इसका इतना था 2m, डायरेक्शन अपोजिट है तो वी वी, कोलिजन से पहले दोनों बॉल्स का मोमेंटम इतना था, कोलिजन के बाद मान लेते दोनों बॉल इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो m वी ए डैस प्लस टू एम वी बी डैस, हमने जूम किया दोनों जो हैं ए और वी ए डैस भी इधर है और वी बी डैस भी जो है वो इधर है, दोनों की वेलोसिटी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसको सिंप्लीफाई करें तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी ए माइनस टू वी बी वो किसके बराबर होगा वी ए डैस प्लस टू वी बी डैस इसके बराबर होगा, कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन लगाएं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये इधर जा रहा है तो वी बी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वी बी डैस माइनस वी ए डैस, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी वेलोसिटी से पास में आ रहे हैं दोनों जो है वी ए प्लस वी बी की वेलोसिटी से पास में आ रहे हैं, कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा वन होगा तो वी ए प्लस वी बी ये इसको इधर ले जाते हैं वो किसके बराबर होगा वी बी डैस माइनस वी ए डैस इसके बराबर होगा, दोनों को यदि हम ऐड कर दें एक इक्वेशन ये है दूसरी इक्वेशन ये है दोनों को ऐड कर दें तो वी ए से वी ए कैंसिल हो जाएगा, वी ए डैस से वी ए डैस कैंसिल हो जाएगा, इधर तो क्या आ जाएगा इन दोनों की वेलोसिटी में पता वो रूट टू जी एल है सेम है तो इन दोनों को ऐड करना है तो क्या आ जाएगा 2va माइनस vb इसके बराबर होगा
इधर वी ए से वी ए के कैंसिल हुआ, थ्री वी वी यस, ये भी टू जी एल है, ये भी टू जी एल है, टू जी एल अंडर दी रूट माइनस टू जी एल उसके बराबर है थ्री वी बी डैश। थ्री वी बी डैश की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, टू जी एल रूट अपॉन थ्री इसके बराबर है। इसमें से घटाएंगे तो रूट टू जी एल बचेगा, रूट टू जी एल अपॉन थ्री। वी ए की वैल्यू निकालनी है, वी ए डैश की वैल्यू निकालनी है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं वी ए, वी ए या इसमें पुट कर देते हैं, इसमें वी ए डैश की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी, वी बी डैश माइनस वी ए प्लस वी बी इसके बराबर होगी। इसको इधर ले गए हम, इसको इधर लिया, इसकी वैल्यू तो कितनी है, टू रूट जी एल अपॉन थ्री माइनस दोनों की वेलोसिटी क्या है सेम है तो ऐड हो जाएंगे टू जी एल अंडर दी रूट। इसको करेंगे तो किसके बराबर होगा, माइनस फाइव बाई थ्री रूट टू जी एल इसके बराबर होगा, माइनस फाइव बाई थ्री रूट जी एल। माइनस का मतलब है इसकी जो डायरेक्शन है कोलिजन के बाद, ये जो बॉल है कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी जो है फाइव अपॉन थ्री रूट टू जी एल के बराबर है और इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है और वो कितनी है, टू जी एल अपॉन रूट थ्री इसके बराबर। यदि हम इसको अंदर ले जाएं फाइव अपॉन थ्री को तो ये क्या जाएगा, ये पच्चीस नहीं पचास, पचास अपॉन नाइन जी एल इसके बराबर होगी। और इसको अंदर लेके जाए तो कितना होगा, टू जी एल अपॉन नाइन अंडर दी रूट इसके बराबर होगा। ये तो रूट फाइव जी आर से ज़्यादा है, रूट विच इज ग्रेटर देन रूट, ग्रेटर देन रूट फाइव जी आर और ये जो है लेस देन रूट टू जी आर। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो गया क्योंकि स्ट्रिंग के साथ अटैच है, सर्कुलर पाथ को लीव करेगी नहीं करेगी इस पर डिपेंड करता है कहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रही है और टेंशन जीरो हो रहा है। तो ये फाइव जी आ रहा है तो इसका मतलब ये तो क्या करेगी, कंप्लीट लूप करेगी और कंप्लीट लूप करेगी तो मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी होगी, टू आर के बराबर होगी। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ ए वो किसका, टू आर के बराबर होगा, आर किसके बराबर, एल के बराबर है। ये टू एल की हाइट तक जाएगी और सर्कुलर पाथ के लोग जाएंगी, बेसिकली सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन बन गया। और इसकी वेलोसिटी जो है रूट टू जी आर से बराबर है तो ये क्या होगी, ओसिलेटरी मोशन होगी, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वापस और नीचे आ जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी हाइट निकालनी कितनी दूर तक जाएगी, तो सर्कुलर मोशन में स्टीम वाले क्वेश्चन में दो ही इक्वेशन लगाते हैं, नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर वो किसके बराबर होता है, नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें हमने क्या लगाना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगानी है, टू एम और इसकी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, टू जी एल अपॉन नाइन के बराबर है। इतनी हाइट तक जा रहा है, सपोज यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो, ये वाली हाइट हमें निकालनी है एच की तरह होगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और रिटर्न बाय जो टेंशन है वो तो जीरो है पहले भी चीज़ की जमीन, तो एम टू एम जी एच इतनी प्रेस एनर्जी इंक्रीज होगी है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी जीरो माइनस फाइनली जीरो होगी है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या होगी है जीरो होगी है, हाफ इंटू टू एम इनिशियल वेलोसिटी जो थी काइनेटिक एनर्जी जो थी इसके बराबर थी, टू जी एल अपॉन नाइन ये जीरो के बराबर है, 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा बीच में कॉमन निकल रहा है तो इसको उधर ले जाते हैं, जी एच इज इक्वल टू इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जी एल अपॉन नाइन जी इससे कैंसिल हो जाएगा, एच इज इक्वल टू एल अपॉन नाइन, ये जो है एल अपॉन नाइन की हाइट तक जाएगा वहाँ पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, टेंशन नॉन जीरो होगा, ये वापस नीचे आएगा तो इसकी मोशन कैसी होगी, ओसिलेटरी होगी
इसकी जो मोशन है वो क्या होगी, ओसिलेटरी होगी और ये बॉल जो है कंप्लीट ओसिलेशन करेगी। हाँ, उसके बाद ये दोनों टकराएंगे, कहाँ पे टकराएंगे, फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है, फिर क्या होगा उसके बाद, हम उसमें नहीं जाते हैं। हमें तो ये बताना है कि ये कितनी हाइट तक राइज होगा, ये इधर जाके इधर राइज होगा और ये जो है कंप्लीट चक्कर पूरा करेगा, ठीक है।